मैं अभी बैठा हूँ एक अच्छे दोस्त और एक अमेजिंग इनक्रेडिबल शख्सियत के साथ जिसका नाम है अजय चतुर्वेदी। ये न्यूयॉर्क में थे सिटी ग्रुप के साथ, कुछ इनके अंदर जागा, ये भारत देश वापस आए। भारत देश वापस आकर इन्होंने करीब 4 साल तक हिमालय के पर्वतों में और उन्हीं रीजन्स में अपना एक गुरु ढूंढा और इन्होंने एक जर्नी की शुरुआत की अपनी जिंदगी में, और उस जर्नी ने अजय चतुर्वेदी का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कैन योर फिलॉसफी, योर थॉट प्रोसेस समवेयर हेल्प अस? सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस। उस जब आप गहराई में जाते हो, जो गुरुकुल की एजुकेशन, जो गुरुकुल में जो प्रणाली जो चलती है, गुरुकुल डज नॉट स्टार्ट देयर एजुकेशन विद A for apple, B for ball. ये से शुरू नहीं होता। हालांकि उसमें एक और एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अभी नहीं दूंगा, वो बाद में कभी। लेकिन उस चीज को जब आप समझोगे तो वो प्राणायाम से शुरू करते हैं। जब आप प्राणायाम की गहराई में जाते हो, जब आप अपनी श्वास की गहराई में जाते हो, तो आप श्वास को समझना शुरू करते हो, देन यू गेट स्पेशल नॉलेज फर्स्ट। सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फोर्थ डिमेंशन इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यू एक्चुअली हैव अंडरस्टैंडिंग द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डिमेंशंस व्हाइल यू आर जस्ट लर्निंग। तो वहां से जब ये अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, इफ यू लुक एट रेफरेंस एनी ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स बुक्स, आपको वहां दिखाई देगा स्वास्तिक इज एक्चुअली ड्रॉन एज अ फोर डायमेंशनल क्यूब। श्योर, राइट? और वही चार अवस्थाएं जो हैं जिसकी हम बात करते हैं, वहीं से शुरू होता है, द वेकिंग स्टेट, द ड्रीमिंग स्टेट, द स्लीपिंग स्टेट एंड द फोर्थ स्टेट व्हिच इज नीदर ऑफ दोस एंड ऑल ऑफ दोस एंड इट्स कॉल्ड तुरीय अवस्था। द वर्ड तुरीय कम्स फ्रॉम चतुर्य व्हिच इज वेयर चतुर्वेदी कम्स फ्रॉम। सो चार वेद हैं, चार ही युग हैं, चार ही दिशाएं हैं। आफ्टर यू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज व्हेन यू कैन गेट टू द लार्जर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज वेयर इट गोज। श्योर, राइट? इसीलिए जो चार अवस्थाएं हैं वो आंतरिक, मांतरिक, तांत्रिक, यांत्रिक, राइट? जब आपको वो समझ में आता है, तब आप सडनली इंक्लूसिविस्ट माइंडसेट में आ जाते हो, तब आपको समझ आता है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। एज एंटरप्रेन्योर्स, एज बिजनेस ओनर्स, क्या हम इस इंफॉर्मेशन का किसी तरीके से फायदा उठा सकते हैं? क्या क्या हम कैसे, मतलब क्या हम क्या समझ सकते हैं आज? हम किस तरीके का बिजनेस चालू करें? क्या हमें खाने की दुकान डालनी चाहिए? क्या हमें मर्चेंट बन जाना चाहिए? या मुझे बाक जकरबर्ग की तरह एक बड़ा सपना देखना चाहिए और सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए? कैन वी गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर फिलॉसफी? Yeah, I mean that's the whole idea why I even wrote this. And जब आप इस चीज को समझ जाते हो, then you will realize अगर आपका reference point ही सही नहीं है, हाँ, तो of course आपका day point ही सही नहीं है, आपका night point ही सही नहीं है, तो आप business which is all about efficiencies, profits, yes, and productivity, of course ये तीनों चीजें तो आपकी बिल्कुल गई ना। न्यूयॉर्क में लोग 9 बजे फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं और आप अपने उनके 9 बजे के हिसाब से अपनी फैक्ट्री शुरू कर रहे हो, तो आपको डे लाइट तो 0 hours मिलेगी। फिर आप कह रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, यार ये कैसे हो गया? I know it's a very stupid and a dumb thing to talk about, but that's essentially what's happening here, sure, right? Sure. When somebody says, "Yar, हमने ना orange juice produce करना शुरू किया factory में," तो उनसे कोई पूछे, "यार आपने oranges कहाँ procure किया?" कहते हैं, "नहीं नहीं oranges कुछ नहीं है, oranges तो सब मिथ्या है, सारा हमारी factory में हो रहा है." कोई उन्हें बताएगा ना, यार oranges कहीं से तो आए ना, कहीं से तो आए, वो नागपुर से आए, फ्लोरिडा से आए, दिल्ली से आए, कहीं से तो आए ना, right. That orange has a significant influence on the kind of juice that you're making. जब आप उस natural resource को capture करोगे, is when you will be able to maximize that efficiency. Sure, sure. Business is not about selling your product for $100. Business is about making the maximum profitability. Yes. On yes. the basis of your quality, which then builds your branding. Correct. This is something that we need to ingrain in the youth and the entrepreneurs. 125 crore business channel पे हमारे साथ बहुत सारे SMEs हैं इस देश के जो जुड़े हुए हैं, right? हमारी videos आज देश के बहुत सारे entrepreneurs, business owners देखते हैं। आज मैं जब बात करता हूँ इन सभी business owners से, तो मुझे बहुत बार दिखता है कि आसपास उनके वो marketing और branding जो western concept से आई है, you know, and all of the social media that is now sort of crept in, वो अपने आप को question कर रहे हैं। A lot of SMEs are self-questioning themselves, और वो self-question, self-doubt, उनका confidence कम कर रहा है। Can SMEs somehow work with you? Can SMEs somehow you know, get your philosophy? How can we create something which is valuable for SMEs? Absolutely. मतलब किसी को भी ये समझने के लिए एक मैं बहुत simple सा example देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ 2+2 क्या है? There are several ways. I mean, and you know, this is a very elementary question. So of course you know it, but you know, I could ask you a very complicated question. Sure. There are several ways that you can solve this question. Sure. आप मनी मन कैलकुलेट कर सकते हो और मुझे आंसर दे सकते हो। बिल्कुल। आप एक पेंसिल और पेपर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो, लॉजिकली मुझे बता सकते हो ये है, ऐसा है, ठीक है। आप अपनी उंगलियों पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, correct. और आप एक कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स यही तो है आंतरिक, मांतरिक, तांत्रिक, यांत्रिक, राइट?
जब आपको ये एसेंस समझ में आ जाता है ना, द रिजल्ट, द मींस एट द एंड इज व्हाट यू अंडरस्टैंड. तो आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया और आपको मींस समझ में आ गई. अब जिस जगह पे आप वो लोकल ज्योग्राफी पे अगर आप मींस उसके पे अडैप्ट करके टेलर कर दोगे, यू विल मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स. इंटरेस्टिंग. भाई गंगा जहां है वहीं तो गंगा नहाओगे ना. आपने ये बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न. फैक्ट इज वो जितना भी ज्ञान है इज लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द उपनिषद्स. लेकिन आपने उपनिषद कभी देखे ही नहीं. अगर आप मैट्रिक्स एंड आई एम बाय इन नो वे एंड आई एम सेइंग दैट यू नो दिस इज बैड एंड दिस इज गुड. आई एम जस्ट सेइंग आपने अपने पीछे अपने घर में अपने किचन गार्डन में देखा क्या क्या लग रहा है. आप बस आंखें चौंधियाती रही आपकी बाहर की चीजें देखते रहे. सो while it's all great, I think it's important, especially now, to start looking at our own backyard. Sure. To see the value of things that you can tap into, right? In terms of the wisdom, in terms of the cultural learning that we have. Haldi doodh ko turmeric latte Starbucks ne bana diya. Ab wo $10 ki ek Starbucks mein turmeric latte bech rahe hain. Aap apne haldi doodh ko kuch nahi kar paaye. Correct. Why are we not able to do that? Correct. Right? There are several factors to it, one of which is financial innovation, which I'm, you know, very, very focused on. That we need more financial innovation. We need more financial risk takers. What I credit, absolutely hats off to America, is they have investors like Peter Thiel. Correct, yes. Peter Thiel, you know, wrote off $500 million check on a hunch. Why hasn't Ratan Tata done something like that for, you know, Indian version of Facebook? Why hasn't, you know, Rakesh Jhunjhunwala picked up his checkbook and, you know, written off a check like that? I think I'm absolutely against. And I think, you know, Mr. C.P. Gurnani did that, you know, 94% graduates that come out are absolutely useless. It is not a fault of the graduates. It's not a fault of an 18-year-old kid who's just come out of college, right? Mm. This is where I absolutely, completely condemn the luminaries. Yaar, aap toh 20 saal pehle luminaries the, aap toh visionaries the. Why don't you make that change? Aapko 20 saal ahead dekhna chahiye tha, right? Aapko 20 saal baad mein dekhna chahiye tha. If you were not able to change that narrative, you have absolutely right to, you know, condemn the youth. करेक्ट. बेचारा 21 साल में कॉलेज से बाहर निकल रहा है, आप फिर उसको गालियां दे रहे हो. करेक्ट. पहले उसको ये नहीं पता था क्या पढ़ना है, फिर भी आप उसे गालियां दे रहे थे. आई थिंक द टाइम इज दैट वी रियली नीड टू चेक आवरसेल्व्स नो मैटर हाउ ओल्ड वी आर एंड वी नीड टू यू नो एम्पावर द यूथ, एम्पावर यू नो द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, काइंड ऑफ हेल्प देम चेंज देयर ओन डेस्टिनी व्हिच विल हेल्प देम चेंज द कंट्री, यू नो, कंट्रीज डेस्टिनी.